लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है, सरकार ज्यादा सजग होती जा रही है। आपको पता है कि 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होने वाली है, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल होंगे। तो इससे साफ आप समझ सकते हैं कि ये मीटिंग कोविड से जुड़ी हुई ही होने वाली है। आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में आज शाम 4:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय सभागार में शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसमें मौजूद रहेंगे। जिलों के डीएम और एसपी भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम 4:30 बजे सचिवालय सभागार में होने जा रही। आपको पता है कि 17 अप्रैल को कोरोना को लेकर एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होने जा रहे हैं। राज्यपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद ही आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा था कि राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर फैसला लेना होगा और इसी के मद्देनजर 17 अप्रैल को बैठक होने जा रही थी। लेकिन उससे पहले अब खबर निकल कर आ रही है कि एक और हाई लेवल मीटिंग होगी। पहले आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे। कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और बैठक होने जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग होगी। सचिवालय सभागार में शाम 4:30 बजे बैठक होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहेंगे। कई विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और जिलों के डीएम और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बड़े फैसले की ओर जा रहे हों, बड़ा फैसला लेने के लिए अलग अलग जिलों की स्थिति वो जानने की कोशिश कर रहे हों, इसीलिए ये हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। सभी जिलों के जो हालात है उसका जायजा डीएम और एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। उसके बाद वो अपना पक्ष सर्वदलीय बैठक में रखने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 17 तारीख के बाद बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कल भी अपने वक्तव्य में ये कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार में, कोरोना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जिसे भी बिहार आना है वो जल्द से जल्द बिहार आ जाए और साथ ही साथ कई बातें उन्होंने कही थी, जैसे कि कोरोना की टेस्टिंग को तो बढ़ाया जाना ही है, बार बार आप टेस्ट कराइए, और ये भी कहा था कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ाना है। लेकिन उनका ये कहना कि जिन्हें बिहार आना है वो जल्द से जल्द आ जाएं, तो कहीं ना कहीं ये बड़े फैसले की ओर इशारा कर रहा है। और आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहेंगे, अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ सभी जिलों के डीएम और एसपीज को भी तलब किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में जुड़ने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे के बाद क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, क्या बातें की गई, क्या रणनीतियां बनाई गई है, हर चीज का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।